हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम्स यू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड ट्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है। अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुके हैं, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हो। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा ईजी है। बस आपको यहाँ पे एक चीज जो दिमाग में रखनी है, वो क्या रखनी है कि जब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जीरोज आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, वो अपन आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट ये वाला लगाना है, क्यों लगाना है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अपन आगे वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आई है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझे यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी था, कुछ नहीं बोल रहा था कि भैया अपने को वो सारे के सारे सब एरेज काउंट करने हैं, वो सारे के सारे सब एरेज काउंट करने हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो हो। बोला ठीक है, तो सबसे पहले अपन सिर्फ और सिर्फ ये वाला सब एरे ले सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है। बोला बिल्कुल सही बात है। तीसरा ये हो सकता है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। चौथा ये हो सकता है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पांचवा बताओ भैया, यहाँ पे तो सिर्फ चार ही थे पॉसिबल, आपने पांच और छह कैसे किए। बोला देखो, पांचवा ये हो सकता है जिसमें कंटिन्यूअस आएगा, सब एरे होगा, कंटिन्यूअस है तो सब एरे है। हाँ, और इसमें सिर्फ जीरो ही आ रहा है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। और सिक्स, बोला सिक्स भी ये वाला है। बोला बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो भी अपन सेवन भी बना सकते हैं। बोला सेवन क्या बना सकते हैं। बोला ये वाला जीरो ले लो, ये वाला जीरो ले लो, ये वाला जीरो ले लो। बोला नहीं, सब एरे है, सब एरे। तो सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने पे काफी दिनों से सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही है कि सब एरे ही आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने को पता चल गया सिक्स आंसर क्यों आया है, क्योंकि अपने उसका काउंट रिटर्न करवाना था कि कितने नंबर ऑफ सब एरे अपने पास प्रेजेंट है, जो कि अपन ने करवा दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं, एक बात बताओ सिंपल सिंपल सी कि कॉन्टिन्यूस अगर अपने पास काफी सारे जीरोज हैं, जीरो 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 जीरो, जैसे मान लो फोर जीरोज है। ठीक है, अब फोर जीरोज है तो इसमें कितने सब एरेज बन सकते हैं। बोला भैया देखो, सिंगल सिंगल बन जाएंगे एक तो सबसे पहले, तो हाँ भैया चार तो वो हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर अपन टू टू का पेयर बनाए, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। बिल्कुल सही बात है, तो तीन ये हो गए। ठीक है, अगर अपन थ्री थ्री का पेयर बनाए, तो एक पेयर ये बन गया, हाँ, और एक पेयर ये बन गया। बोले बिल्कुल सही बात है, तो दो पेयर हो गए। ठीक है, फिर अगर अपन फोर फोर का पेयर बनाए, तो एक पेयर बन जाएगा। बोले बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कितने बने। बोले टोटल भी आपने बने फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस वन टेन। ठीक है, अच्छा और बताओ क्या और कोई तरीके हो सकते हैं जिनसे अपन ये वाली चीज कर सकें। मतलब कि जैसे यहाँ पे मान लो थ्री हो गए, ठीक है, तो थ्री के लिए अपन निकाल सकें। फिर अपन बोल रहे हैं फाइव हो जाए, तो फाइव के लिए भी अपन निकाल लें, अपने कोई काउंट ना कराना पड़े। तो हाँ भैया, अपन ने ऐसे बहुत बार किया है, एक बार नहीं किया, बहुत बार किया, और इसके काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो अपन दो मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है पूरी की पूरी सी पे बेस्ड है, तो अपन इन मेथड्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात ध्यान रखना कि अपना फोर के लिए आंसर क्या आया था, टेन आया था ना। बोला ठीक है, तो देखो एक मेथड तो इसमें सबसे सिंपल क्या होता है कि जो भी ये एन है, एन क्या होता है कि आप कितने नंबर ऑफ जीरोज है जो कंटिन्यूस आ रहे हैं, अगर अपने को ये काउंट करवाना है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जीरोज में ही नहीं, कहीं पे भी काउंट करेगा जहां पे आपको सब एरेज काउंट करवाने हैं। बोला ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लो एन है, तो अपन क्या बोलते हैं, एन लो, फिर एन एन प्लस वन करो। ठीक है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई टू कर दो। बोला ठीक है, कितना आया। बोला फोर प्लस वन फाइव, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू यानी कि टेन। ये टेन ही अपना आंसर था। बोला ओके जी। और देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये थ्री है सिर्फ, ठीक है, तो थ्री इंटू एन प्लस वन यानी कि थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर। बोला ठीक है, तो फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई टू कितना आएगा, सिक्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बड़े क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन इसको निकाल के भी देख लेते हैं। बोला वन टू थ्री, तीन तो सिंगल हो गए। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में एक अपन ने क्या किया, इन दोनों का पेयर बना दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। और एक इन दोनों का पेयर बना दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो कितने हो गए। बोला दो पेयर ये हो गए। बोला ठीक है, और एक पेयर अपन इन तीनों का बना दिया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है कि। बोला नहीं। कितने हुए। बोला सिक्स। सिक्स अपना आंसर था। बोला हाँ भैया, हाँ भैया क्लियर है। अच्छा भैया, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कैसे आपने डेराइव किया। बोला कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है जो कि अपने लगाया है, और कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, ठीक है, ये हो गया। बोला हाँ ये हो गया। अच्छा भैया, दूसरा मेथड क्या हो सकता है। देखो, दूसरा मेथड भी अपन समझ लेते हैं। दूसरा मेथड अपन क्या बोलते हैं कि जैसे फोर जीरोज है ना, हाँ, तो एक काम करो कि जब आप फर्स्ट जीरो पे आए हो, तो आप अपने आंसर में वन पर डाउन करवाओ कि भैया अब तक सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आई है। ठीक है, और यहाँ पे काउंटर नाम का कुछ भी एक मेंटेन करके चलो, जिसमें आप बोल रहे हो कि अभी तक एक कंटिन्यूअस में आया, तो एक कंटिन्यूअस में आया था तो अपने आंसर में भी एक आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर जैसे आपने बोला कि कंटिन्यूअस में दो आ गए हैं, कंटिन्यूअस में दो आ गए हैं, तो अब इसमें एड ऑन क्या होगा, दो एड ऑन होगा। ठीक है, अब फिर अपन ने क्या बोला, बोला कंटिन्यूअस में तीन आ गए, कंटिन्यूअस में तीन आ गए ना, तो एड ऑन क्या कराओगे, तीन। बोला ओके। अच्छा, फिर कंटिन्यूअस में कितने हैं। बोला कंटिन्यूअस में आए चार, तो एड ऑन क्या कराओगे, बोला चार। ठीक है, अब इसका सम करो कितना आया। बोले टेन ही आएगा क्या। बोला हाँ एक्सैक्टली।
ओके। और सपोजिंगली जैसे ये चार नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही है, तो बस लास्ट वाली वैल्यू घटा दो। अब इन सब का एड ऑन कराओ, कितना आया? बोला सिक्स। क्या सिक्स ही आता है क्या थ्री पे? बोला हाँ, अभी अभी अपन ने देखा था। बोला ओके, ये रहा। ओके हाँ, तो ये वाली ट्रिक भी है, कैसे काम कर रही है भैया? कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अगर सिर्फ सिंगल एक सब ऐरे है, सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, तो अपनी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? बोला एक ही होगी। अगर अपने दो आ रहे हैं, तो दो आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि एक तो ये है सिंगली, एक सिंगली ये ले लेंगे अपन, और एक इन दोनों का पेयर बन जाएगा। तो इसके आने से कितने का इंक्रीमेंट हुआ? बोला दो का। तो अपन ने क्या बोला? बोला दो का एड ऑन करवा दो। बोला ओके। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इसके आने से तीन का इंक्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ? एक तो ये वाला सिंगली आ जाएगा। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक इन दोनों का पेयर बन जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। और एक क्या हुआ कि इन तीनों का पेयर बन गया। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो इसके आने से कितने इंक्रीमेंट हुए? बोला तीन। सिमिलरली जब एक और आ जाएगी जीरो, तो उसके आने से चार इंक्रीमेंट हो जाएंगे, एंड वैसा वैसा ही कॉन्टिन्यूस में चलता रहेगा। बोला सिंपल सी बात है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी है ना? बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपने एन और एन प्लस वन वाला ट्रिक तो काफी बार करी है, आज अपन ये वाली ट्रिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसमें भैया ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? बोला अब तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, अपन क्या करेंगे? सिंपल सिंपल सा एक फोर का लूप चलाएंगे, इसके ऊपर इटरेट करेंगे। इटरेट करते टाइम अपन क्या बोलेंगे? कहीं पे भी जीरो आ जाए, कहीं पे भी जीरो आ जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? काउंटर मेंटेन कर लेंगे। हाँ, जिसमें अपन क्या बोलेंगे? बोला कितनी बार जीरो आया? बोला एक बार आया, तो आंसर में क्या ऐड ऑन करवा दो, ये एक। फिर अपन क्या बोलेंगे? बोला उसके बाद में एक, मतलब कंटिन्यूस में एक और बार जीरो आ गया, तो काउंटर में क्या हो गया? टू। तो अपन ऐड ऑन क्या करा देंगे? टू। बोला बहुत बढ़िया। फिर क्या हो गया? बोला एक। फिर वापस कोई और डिजिट आ गई, तो अपन क्या बोलेंगे? बोला आप कंटिन्यूस में कितने हो चुके हैं? जीरो, अब एक भी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपने पास क्या हुआ? वापस एक आया। बोला ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? इसको हटाओ, वन ले करा दो। तो वापस में आंसर में क्या ऐड ऑन करा दोगे? वन, बहुत बढ़िया। फिर वापस क्या हुआ? कंटिन्यूस में कितने आ गए? बोला टू, ठीक है, कंटिन्यूस में टू आ गया। यहाँ पे टू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या ऐड ऑन हो जाएगा? टू। कितना हो गया टोटल? क्योंकि आगे कोई जीरो है नहीं, तो यही होगा टोटल ऐड ऑन। कितना हुआ? बोला सिक्स। सिक्स आंसर था क्या? बोला एक्जैक्टली, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार अपन ने क्या किया इम्प्लीमेंटेशन में। देखो ये आया अपन इम्प्लीमेंटेशन में, ये था अपना फंक्शन जो कि अपने को बिल्ड करना था। आते ही अपन ने क्या किया? बोला एक तो लॉन्ग लॉन्ग इंट बनाया, आंसर मतलब कुछ भी नहीं है, इनिशियलाइजेशन है या फिर डिक्लेरेशन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। कुछ भी नहीं किया अपन ने, बस यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक आंसर नाम का वेरिएबल और एक काउंट नाम का वेरिएबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों जीरो से डिक्लेयर करें। फिर अपन ने क्या बोला? एक फोर का लूप इटरेट किया है। फोर का लूप में क्या बोला अपन ने कि जो एन नाम का ये जो वैक्टर है, एन नाम का ये जो वैक्टर है, इसके हर वैल्यू से इटरेट करो। तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो, जैसे ये जो वन है वो किस में आएगा? बोला एक्स में। उसके बाद में जो थ्री है वो किस में आएगा? एक्स में, ठीक है। ऐसे सारी वैल्यूज एक्स में आते रहेंगे एक एक करके। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आई, ठीक है, जो कि थी वन, तो वन आई, तो अपन ने चेक किया क्या ये जो वैल्यू है ये जीरो या जीरो के अलावा कुछ है। तो इसकी कंडीशन में अगर जीरो आता है, तो ऑफकोर्स वो जीरो को क्या ट्रीट करता है? एज अ फॉल्स ट्रीट करता है। बोला बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या ट्रीट करेगा? ये वन को ट्रू ट्रीट करेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ये ट्रू हुआ, तो अपना काउंट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। बोला बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या मिला? जीरो नहीं मिला, तो काउंट अपना जीरो हो गया। तो फिर अपन ने क्या बोला? बोला एल्स में तो गया नहीं, और अपन ने काउंट को क्या कराया? एल्स में, आंसर में एड ऑन, ठीक है। तो आंसर में ऑफकोर्स बात है क्या ऐड ऑन हुआ? बोला आंसर में जीरो ही रह गया अभी तक, ठीक है। आंसर में कुछ भी ऐड ऑन नहीं हो पाया, क्योंकि काउंट क्या था? जीरो था। बहुत ही बढ़िया। फिर अपने क्या हुआ? अब एक्स में क्या आया अपने पास? थ्री आया, ठीक है। सिमिलरली वापस इफ की कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, काउंट वापस जीरो हो गया, जीरो ही चल रहा था। बोला ठीक है, आंसर में वापस ऐड ऑन हुआ। बोला जीरो ही ऐड ऑन हुआ, आंसर में कुछ भी नहीं आया है अभी तक, क्योंकि एक भी जीरो आया ही नहीं है। बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? अब आया जीरो, ठीक है। अब इसको ध्यान समझना, जैसे आया जीरो, तो क्या हुआ? ये इफ कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इफ की कंडीशन में वो नहीं जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने एल्स में, एल्स में अपन ने क्या किया? काउंट को प्लस प्लस कर दिया, मतलब काउंट अपना कितना आ चुका है? एक, ठीक है। तो अपने आंसर में क्या एड ऑन हो जाएगा? बोला वन, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? अपने को कॉन्टिन्यूस में एक और मिल गया। बोला बिल्कुल सही बात है। इफ की कंडीशन वापस फॉल्स हुई, फिर अपना काउंट प्लस प्लस हुआ, तो काउंट कितना हो चुका है? बोला टू। अब अपन आंसर में क्या ऐड ऑन करा देंगे? टू। एंड सिमिलरली ये चलता रहेगा, जैसे अपन ने डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया। रिटर्न बोला आंसर करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बोला भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी ऑफ एन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बार इटरेट कर रहे हैं। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्पेस भी अपन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हूँ, मतलब कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं। बस अपन दो ही चीज यूज कर रहे हैं, एक तो काउंट और एक आंसर। तो अपने क्या होगा? कॉन्स्टेंट स्पेस, मतलब ऑफ वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबमिट करके अपने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।